क्या आ गया? सर्दी के यार आ की सर्दी है? सर्दी तो हमारे जमाने में पड़ती थी, बिड़े भाई का नहीं हमारे जमाने में। चल मान लिया सर्दी है, लेकिन फिर भी इतना बुढ़ापा नहीं दिखाना चाहिए आपको। मानते हम है बुढ़ापे की कोई परिभाषा तो नहीं है, एक बच्चा भी बूढ़ा हो सकता है, एक जवान भी बूढ़ा हो सके। कई बार आगे थार दी उम्र को कहे कि गुरु जी नजदीक दी रहो कोई हॉस्टल दूर आई जे को नहीं, इसका मतलब वो बूढ़ा हो चुका है। अब क्लास में एक बूढ़ो आदमी आ रहे है, ना कि कोई जवान आ रहा है, बुढ़ापे की और कोई परिभाषा नहीं है। जब व्यक्ति रिस्क नहीं ले सकता किसी प्रकार की, डर लगता है उसे रिस्क से, टेस्ट देने से अगर आपको डर लग रहा है, इसका मतलब आप में बुढ़ापा आ चुका है, फिर बुढ़ो टिंगर आ रहे है, ना कि कोई जवान आ रहा है। ये जवानी के लक्षण नहीं है, ये बुढ़ापे के लक्षण है। जब कोई नया काम करने से तुम्हें डर लगे, समझ लो बुढ़ापा है। मार्जिता भी मास्टर लोन लेना डर लागो, मैं इसको मोटिवेशन दे सकता लोन दिला दियो। बोले बरी जाओ किया, अरे बुढ़ापे का लक्षण है, जवानी ये थोड़ी सोचती है। अब यूं मेरा वो फायदा होगा, बैठे बढ़िया तरीकों काम करेगा, क्योंकि जिस आदमी के कर्जा हो जाए उस आदमी का दिमाग ज्यादा चलना शुरू हो जाता है। जैसे ही आप बिना कर्जा हो गए संतुष्ट हो जाओ, आपका दिमाग नहीं चलेगा, आपका दिमाग काम ही नहीं करेगा कि नया क्या करें। और जैसे ही आप घाटे में जाओगे आपका दिमाग काम करेगा कि यार नया क्या करें, पैसे कैसे अर्जित करें। तो आप बूढ़ा आदमी ना बनो। 10 बजे आप उठ रहे हो, इसका मतलब एक बूढ़ा लड़का उठ रहा है, ना कि जवान उठ रहा है। अरे क्या यार, तुम्हें जवानी है अभी, तो जवानी जिधर चलती है उधर जमाना चलता है। बूढ़ा लिखो,